गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन टॉपिक एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग देखेंगे, फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं कि फ्रेगमेंट्स एक पार्ट ऑफ एक्टिविटीज़ या सब एक्टिविटीज़ अपन बोलते हैं कि जैसे अपने पास कोई एक एक्टिविटीज़ है उसको कई पार्ट्स में डिवाइड करना, कई छोटी छोटी विंडोज़ बनाना, तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, फ्रेगमेंट्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, फ्रेगमेंट्स का यूज़ करते हैं। फ्रेगमेंट्स की देखिए हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसकी कुछ लाइफ साइकिल्स होती हैं। कौन कौन सी लाइफ साइकिल्स होती हैं देखिए, हमारे सबसे पहले फ्रेगमेंट्स स्टार्ट होता है, फिर ऑन अटैच, ऑन क्रिएट व्यू, ऑन एक्टिविटी क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। ठीक है, उसके बाद इधर देखिए अगर फ्रेगमेंट्स जब एंड होता है तो ऑन डिटैच, ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, ऑन स्टॉप, ऑन पुश। ये जितने भी आपको ये दिखाई दे रही है फ्रेगमेंटेशन की क्या है, लाइफ साइकिल्स। ये लाइफ साइकिल्स मेथड्स हैं, ये कौन कौन से यूज़ होते हैं। जैसे हमने आपको एंड्रॉयड की लाइफ साइकिल्स, एक्टिविटीज़ की लाइफ साइकिल्स बताई थी, वैसे ही हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स हैं उनकी भी लाइफ साइकिल्स होती हैं। देखिए कौन कौन से मैथड्स हमारे यहाँ यूज़ होते हैं फ्रेगमेंट्स में। देखिए ऑन अटैच, ये ऑन अटैच जो फ्रेगमेंट इंस्टेंस एसोसिएट विद एक्टिविटीज़ इंस्टेंस, ये जो हमारी एक्टिविटीज़ बनती है, मेन एक्टिविटीज़ बनती है, उस एक्टिविटीज़ से ये क्या होता है, एसोसिएट होता है। ठीक है, और ये नॉट फुल्ली इनिशियलाइज्ड, ये फुल इनिशियलाइज्ड नहीं होता है। क्लियर, ये आपका फ्यूचर, यानी कि हमारे पास जो रेफरेंस है एक्टिविटीज़ का, फ्यूचर इनिशियलाइजेशन वर्क के लिए हम ऑन अटैच का यूज़ करते हैं, तो ये ऑन अटैच मेथड। दूसरा हमारे पास ऑन क्रिएट, ये एक सिस्टम कॉल्स है। जैसे हमारे पास आपने देखा होगा ऑन क्रिएट, उसमें भी आता था एक सिस्टम कॉल्स है जो व्हेन क्रिएटिंग द फ्रेगमेंट, यानी जो फ्रेगमेंट को क्या करता है, क्रिएट करता है, और जितने भी इनिशियल कंपोनेंट्स जैसे हमें टेक्स्ट बॉक्स, कुछ भी फ्रेगमेंट्स, जितने भी इनिशियल कंपोनेंट्स हम फ्रेगमेंट्स के अंदर लेंगे, उन सारे सभी फ्रेगमेंट्स को इनिशियलाइज करने के लिए ऑन क्रिएट मेथड्स हमारे पास होते हैं। पुश और स्टॉप देन रिज्यूम, इसमें हम पुश पॉप उनको भी मेथड्स को यूज़ करते हैं, यानी ये जो इनिशियलाइजेशन कंपोनेंट्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जैसे बटन बनाना फ्रेगमेंट्स में, किसी इमेज को लगाना या कोई भी इस टाइप के कंपोनेंट्स बनाना, उन कंपोनेंट्स को क्रिएट करने के लिए इस सिस्टम कॉल्स का यूज़ करते हैं, यानी इस ऑन क्रिएट मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन क्रिएट व्यू, ये हमारे पास कॉल बैक सिस्टम कॉल्स है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ें। ये हमारे पास यू आई एन यूज़र इंटरफेस फ्रेगमेंट्स हैं, जो हमारे पास व्यू कंपोनेंट्स, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा हो व्यू हमारे पास आता है, तो उनको लेआउट्स को जो डिज़ाइन करने के लिए, इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो हमारा किसका यूज़ करता है, व्यू कंपोनेंट्स। तो हमारा कौन सा आता है, ऑन क्रिएट आता है। क्या आता है, ऑन क्रिएट व्यू आता है। उसके बाद ऑन एक्टिविटेड क्रिएटेड, ये आपका क्या करता है, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड आफ्टर कॉल, कब कॉल होता है, जब आपका क्रिएट व्यू मेथड व्हेन बी होस्ट एक्टिविटीज इज क्रिएटेड, यानी जो एक्टिविटी होस्ट कर रही है उस क्रिएट करता है, उसके बाद आपका ऑन एक्टिविटी मेथड कॉल होता है। कौन सा मेथड, जैसे हमने किसी आईडी को सर्च कराते हैं तो क्या देते हैं, फाइंड बाई आईडी। तो इसके बाद जब आपका ऑन स्टार्ट, ये हमारा क्या करता है, ऑन स्टार्ट जो करता है किसी मेथड्स को, फ्रेगमेंट्स को विजुअल करता है। फिर ऑन बिकम्स, अगर आपके रिज्यूम करना है तो फ्रेगमेंट्स बिकम एक्टिव, बिकम्स उसको क्या करना, आपको एक्टिव करना। तो ये हमारे पास ये ऑन पुश, यानी किसी पॉज, ऑन पॉज किसी फ्रेगमेंट्स को अगर आपको रोकना है, कुछ करना है, थोड़ी देर के लिए पॉज करना है अपन बोलते हैं, और वापस उसको अपन क्या कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन ऑन पॉज मेथड का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, ऑन पॉज मेथड का यूज़ करते हैं। क्लियर, तीसरा हमारे पास ऑन स्टॉप, फ्रेगमेंट्स गोइंग टू बी स्टॉप बाय कॉलिंग ऑन स्टॉप, अगर किसी फ्रेगमेंट्स को आपको क्या करना है, स्टॉप करना है, तो ऑन स्टॉप मेथड्स को अपन क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तीसरा हमारे पास है ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, अगर किसी व्यू आप फ्रेगमेंट व्यू विल बी डिस्ट्रॉय आफ्टर कॉल दिस मेथड, अगर आपका जैसे कंप्लीट हो जाता है तो अपन किसी मेथड्स को, जैसे अपन bv.net वगैरह में मेथड्स को क्लोज करते हैं, वैसे अगर व्यू को आपको डिस्ट्रॉय करना आफ्टर आपके काम हो जाने के बाद, तो ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, ऑन डिस्ट्रॉय आपका ऑन डिस्ट्रॉय इज कॉल्ड फाइनल क्लीनअप, अगर आपको किसी फाइनल को क्लीनअप करना है, फाइनल करना है प्लेटफॉर्म,
तो हम ऑन डिस्ट्रॉय मेथड का यूज करते हैं. ऑन स्टॉप ऑन डिस्ट्रॉय व्यू व्यू को डिस्ट्रॉय करता है. ये ऑन जो हमने फाइनल जो हमारे फ्रेगमेंट्स हैं उनको पूरी तरह से आपको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, फाइनल क्लीन अप करना है, तो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड का यूज करते हैं. ये हमारे पास एक्टिविटीज लाइफ फ्रेगमेंटेशन होते हैं. तो फ्रेगमेंटेशन आप सबसे सब एक्टिविटीज यानी कोई मेन एक्टिविटीज है उसके अंदर हम छोटी छोटी कई एक्टिविटीज को ओपन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है. क्लियर. अब फ्रेगमेंटेशन से देखिए हम एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन को यूज कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. अपन यहां समझते हैं, एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग अपन ओपन कर लेंगे. एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग ओपन करने के बाद देखिए अपने पास यहां पे क्या है, थोड़ा सिस्टम हमारा स्लो चल रहा है इसलिए हम प्रोग्राम को पहले से बना कंपाइल रखेंगे, नहीं बन हो नहीं पाए. तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जैसे आपके पास सबसे पहले मेन एक्टिविटीज आएगी, तो आप मेन एक्टिविटीज आने के बाद आप रिसोर्स फोल्डर में जाएंगे. रिसोर्स फोल्डर में आपको लेआउट मिलेगा. क्या मिलेगा, लेआउट मिलेगा. स्टेप्स को ध्यान रखते जाइए, एक एक स्टेप्स को मैं फॉलो बता रहा हूँ, एक एक स्टेप्स को आपको यहाँ से क्या करना, उनको फॉलो करना. तो लेआउट पे जब जाएंगे तो लेआउट पे जाने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने के बाद आप न्यू उस पर जाएंगे. न्यू पे जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा फ्रेगमेंट. क्या मिलेगा, फ्रेगमेंट. क्या देखिए आपको प्रोजेक्ट में जाना है, प्रोजेक्ट के बाद आपको रिसोर्स में जाना है, रिसोर्स में जाने के बाद आपको लेआउट फोल्डर पे जाना है. किस पे जाना है, रिसोर्स के जाने के बाद आपको किस पे जाना है, लेआउट फोल्डर्स पे जाना है. लेआउट फोल्डर्स में जाने के बाद आपको न्यू पे जाना है. न्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे किस पे जाना है, फ्रेगमेंट में जाना है. फ्रेगमेंट में जाने के बाद आप यहाँ किस पे क्लिक कर देंगे, ब्लैंक फ्रेगमेंट पे आप क्या कर देंगे, क्लिक कर दें. जब आप ब्लैंक फ्रेगमेंट पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे इसका कोई भी नाम, जो भी आपको नाम यहाँ पे देना है वो नाम आप दे लीजिए. क्लियर. जैसे हमने कर दिया फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट थ्री, कितना दे दिया, फ्रेगमेंट थ्री. जितने भी वन टू थ्री जितने भी फ्रेगमेंट बनाना चाहो, उसके बाद आपने यहाँ से किस पे, लैंग्वेज आपकी स्लो सोर्स, ये देखिए फ्रेगमेंट लेआउट नेम बता रहा है ये. और ऑन क्रिएट, ये किस पे क्रिएट होगा, एक्सएमएल पे क्रिएट होगा. किस पे क्रिएट होगा, एक्सएमएल पे क्रिएट होगा. तो आपने जैसे ही क्लिक किया, एक बार प्रोसेस पे सुन लीजिए, प्रोजेक्ट में जाना है, रिसोर्स फोल्डर में जाना है, रिसोर्स के अंदर लेआउट में जाना है, लेआउट पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शन आएगा, न्यू में फ्रेगमेंट पे जाना है. फ्रेगमेंट पे जाने के बाद आपको किसको लेना है, ब्लैंक फ्रेगमेंट लेना. उसके बाद आपसे पूछेगा फ्रेगमेंट का नाम, तो आप जो भी फ्रेगमेंट का नाम देना चाहें वो फ्रेगमेंट का आप यहाँ से क्या दे सकते हैं, अपना नाम यहाँ से स्पेसिफाई कर दीजिए. क्लियर. उसके बाद आप यहाँ से फिनिश बटन पर क्लिक कर दीजिए. किस पर क्लिक कर देंगे, फिनिश बटन पर क्लिक कर देंगे. तो फिनिश बटन पर क्लिक करने के बाद आपका देखिए ये पूरा लेआउट यहाँ पे फ्रेगमेंट बन के आ गया. क्लियर. अब फ्रेगमेंट बनने के बाद आपको यहाँ पे बहुत कुछ लिखा देखा, आप देखिए हमने अभी आपको न्यू इंस्टेंस, ऑन क्रिएट और ऑन क्रिएट व्यू इवेंट्स. तो आपको सब कुछ नहीं रखना, सिर्फ आपको दो रखना, ऑन क्रिएट रखना, ऑन क्रिएट व्यू रखना, क्योंकि इन्हीं की अपन को ज़रूरत पड़ेगी. बाकी सबको आप क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए. तो बाकी सबको हमने यहाँ से क्या कर दिया, पूरे कोड्स के यहां से आप पकड़िए और इसको यहां से आपने क्या कर दिया, एक एक करके डिलीट करते हैं थोड़ा सा. इसको पकड़ा, डिलीट मारा, ठीक है. इसको यहां से पकड़ा, डिलीट कर दिया. सबको आपको यहां इनको क्या करते जाना, डिलीट. इसको भी डिलीट कर दीजिए, आपने इसको भी डिलीट कर दिया. क्लियर. इसके अंदर जो दो बनाए इनको भी डिलीट कर दी, इनकी भी हमको ज़रूरत नहीं. क्लियर. ये देखिए हमने पूरा यहाँ से इसको क्या कर लिया, डिलीट कर लिया. इस टाइप से आप इनको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. क्लियर. तो आप, आपके पास कोई और भी हो उनको भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. तो ये आपका यहाँ से क्या हो गया, डिलीट हो गया. क्लियर. ये आपने यहाँ से इनको डिलीट कर लिया. और भी जो भी आपको लगता है कि डिलीट करना, उनको भी आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए. क्लियर. तो आप यहाँ से इनको क्या कर दिया, डिलीट कर. सारे मेथड्स को आपने यहाँ से जितने भी आपने लिए उन सबको आप यहाँ से क्या कर दीजिए, डिलीट करते जाइए. बस आपको यहाँ पे कितना रखना है, ऑन फ्रेगमेंट रखना है, और इनको बाकी सबको आप यहाँ से क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए. क्लियर. तो इतना आप काम कर लेंगे. क्लियर. उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से क्लियर, जब आपका फ्रेगमेंट बन के आ गया, तो फ्रेगमेंट बन पे गए आप, तो बन पे जब फ्रेगमेंट पे जाएंगे, इसकी एक्सएमएल फाइल में जाएंगे. अब ये जावा फाइल नहीं खोलेंगे ना, जावा फाइल में अपन ने देखिए चेंज कर लिया. जावा फाइल में देखिए सबको डिलीट कर दिया अपन, ठीक. सिर्फ अपन ने क्या रखा, ऑन क्रिएट, ऑन क्रिएट के अंदर भी डिलीट कर दिया, और व्यू, ऑन क्रिएट व्यू, अपन इनको दोनों को रखा है कि इससे अपनी एक्टिविटीज़ को किससे, मेन एक्टिविटीज से अपन क्या कराते हैं, इसको अटैच कराते हैं.
उसके बाद देखिए इसकी ब्लैंक डॉट एक्सएमएल पे गए। ब्लैंक डॉट एक्सएमएल पे जाने के बाद आप चाहें तो इसका व्यू भी खोल सकते हैं। देखिए व्यू वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ से, क्लियर। आप अपने हिसाब से इसका फॉन्ट या कलर वगैरह जो भी चेंज करना चाहते हैं तो कलर वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको मालूम है, क्लियर। तो आपने यहाँ पर दे दिया जैसे इसका, जैसे मान लो हम कोड के थ्रू दे देते हैं, किसके थ्रू दे देते हैं, कोड के थ्रू। तो कोड के थ्रू जैसे अपन ने दे दिया इसका, अपन गए इसका साइज़ देना चाहते हैं, क्या देना था, फॉन्ट साइज़। तो आप यहाँ से क्या दे सकते हैं, इसका टेक्स्ट साइज, या डायरेक्ट दे सकते हैं अपन साइज, टेक्स्ट साइज आ गया इक्वल टू जितना भी आपको देना है, आपको मालूम है 20 dpi देना है, 20 dpi दे दीजिए, ठीक, क्लियर। आपको कलर देना है बैकग्राउंड कलर, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं बैकग्राउंड कौन सा देना है आपको, बैकग्राउंड में एंड्रॉयड पे क्लिक कर दीजिए। एंड्रॉयड क्लिक करने के बाद आपको जो भी लेना है, ठीक, अगर आपको यहाँ से नहीं मिले तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, क्लियर। ये आपने ले लिया, जो भी आपको लेना, इस पर नाम अपना चेंज करना है तो यहाँ पे कोई भी कंट्रोल्स वगैरह जो भी आप यहाँ से बनना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट हमने यहाँ पे दे दिया हेलो फ्रेंड्स, आप अपना टेक्स्ट यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे हमने दे दिया पहले में दे दिया सदगुरु, क्या दे दिया सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज, सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज, पहला फ्रेगमेंट हमने बना लिया। इसी तरह अब हम दूसरे फ्रेगमेंट पे जाएंगे, सेम प्रोसेस, इसमें भी अपन को वही रखना है। तो यहाँ पे भी अपन, यहाँ पे फ्रेगमेंट जो भी आपको साइज लेना, हमने दे दिया टेक्स्ट साइज, या हमने दे दिया टेक्स्ट कलर, इसमें कलर दे देंगे, तो अपन ने दे दिया साइज, क्या दे दिया साइज, टेक्स्ट साइज इक्वल टू हमने यहाँ पे दे दिया 30, या अपने इसमें दे दिया 20 dpi, क्लियर 20 dpi। आपको क्या करना है, टेक्स्ट कलर लेना है, क्या लेना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे दे दिया एंड्रॉयड कलर इक्वल टू हमने जैसे इसका दे दिया ग्रे, क्या दे दिया ग्रे। आप अपने हिसाब से यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, कोई और भी कलर ले सकते हैं, क्लियर, जो भी कलर आपको यहाँ से देखिए है, यहाँ पे रेड दिया आपने, ऐसे हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, कोई और कलर लेना है आपको, जैसे आपने दिया यहाँ पे रेड, कोई भी कलर आप यहाँ से अपने हिसाब से फॉन्ट वगैरह यहाँ से चेंज कर लीजिए, क्लियर। जब दोनों आपने डिज़ाइन कर लिया, अभी आपको जावा डॉट एक्सएमएल पे काम नहीं करना, मैन दोनों डिज़ाइन कर, अब अपनी मैन एक्टिविटीज़ में अंदर आएंगे। तो मैन एक्टिविटीज़ में हमारे पास देखिए, हमने इसको लीनियर लेआउट में अरेंज कर दिया, आप इसको और भी लेआउट में अरेंज कर सकते हैं, जिस जैसे चाहे वैसे इसको अरेंज कर सकते हैं, जो भी आपको जिस हिसाब से सेटिंग इसकी करनी हो उस हिसाब से इसकी सेटिंग्स को आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, फ्रेगमेंट लिया, एंड्रॉयड लेआउट विथ इक्वल टू 0, लेआउट विथ इक्वल टू 1, लेआउट हाउट जो भी, और फ्रेगमेंट 1, यानी एक फ्रेगमेंट आपने यहाँ पे कॉल कर लिया। इसी तरह आपने यहाँ पे क्या कर लिया, फ्रेगमेंट 2 को कॉल कर लिया, ठीक है। अब आपने इसको स्टॉप किया प्रोग्राम को, आपने दोबारा इसको, अब अपन प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो अपन ने दो फ्रेगमेंट्स को इसके अंदर अटैच कराया हुआ, क्लियर। आप जैसा जानते हैं कि एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग थोड़ा सा स्लो रन करती है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, ग्रेडल कंपाइल करने पड़ेंगे। इसलिए हम इसमें जब भी आपको डेमो देंगे तो प्रोग्राम बना कर रखें, नहीं तो आधा घंटे पता लगे प्रोग्राम आपका कंपाइल ही हो रहा है, क्लियर। तो आपने देखिए स्क्रीन आ रही है, उसमें प्रोग्राम आपका ग्रेडल कंपाइल हो रहा है, ग्रेड प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद आपका प्रोग्राम यहाँ से क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा, क्लियर। कुछ स्ट्रिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट अपन चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए इसको यही कर देते हैं, क्लियर, उसमें भी अपन यही कर देते हैं, जो ठीक है।
इंस्टॉल हो रहा है प्रोग्राम, इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है यहाँ पे, इसकी कुछ प्रॉब्लम इशूज आ जाते हैं कभी कभी, अपडेट नहीं हो पाता। ये देखिए हमने दो स्क्रीन में डिवाइड किया, ये देखिए दो में हमारा प्रोग्राम यहाँ फ्रेगमेंट वन फ्रेगमेंट टू, यानी दो में स्क्रीन, दो पार्ट में हमारी स्क्रीन यहाँ पे क्या कर गई, रन कर गई। इस टाइप से हम अपनी स्क्रीन को, अभी फ्रेगमेंट तीन ले लेते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी भी लेआउट में इसको अपन क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम अपनी एक स्क्रीन को मल्टीपल स्क्रीन में या सब स्क्रीन में डिवाइड कर सकते हैं थ्रू किसके, फ्रेगमेंटेशन। किसके थ्रू डिवाइड कर सकते हैं अपन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कई उसको स्क्रीन में अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रोसेस आप लोग एक बार याद रखिएगा, सिस्टम पे थोड़ा सा अपनी रैम बढ़ा लीजिए और उसमें आप प्रैक्टिकल करने की कोशिश करिएगा। स्टेप्स बहुत ईजी ही हैं, सबसे पहले आपको क्या जाना, हम एक बार स्टेप्स को यहाँ रिवाइज कर देते हैं कि आपको अपनी मेन एक्टिविटीज़, हमारे ये देखिए मेन एक्टिविटीज़ है, इसमें हमने लीनियर लेआउट बना लिया। कौन सा लेआउट बना, लीनियर लेआउट, इतना अभी आप छोड़ दीजिए, ये हमारा टैग है किसी फ्रेगमेंट को अटैच करने का। क्या अटैच करने का, फ्रेगमेंट कोड भी भेज दूंगा आपको, फ्रेगमेंट को अटैच करने का ये हमारा क्या कोड है। तो हमने देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, रिसोर्स प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्स फोल्डर में जाएंगे, रिसोर्स फोल्डर में जाने के बाद लेआउट पे क्लिक करेंगे, लेआउट पे क्लिक करने के बाद किस पे जाएंगे अपन, फ्रेगमेंट में जाएंगे, और फ्रेगमेंट में जाने के बाद ब्लैंक फ्रेगमेंट यहाँ से नहीं, पूरे कोड को आपको डिलीट कर देना है। सिर्फ देखिए जो XML डॉट फाइल बनेगी इसमें देखिए सारे कोड को हटा देना, सिर्फ आपको पब्लिक क्लास ब्लैंक फ्रेगमेंट एक्सटेंड, सिर्फ इतने ही कोड को यहाँ पे रखना है। जब ये पूरा आप अपने हिसाब से फोटो वगैरह लगा सकते हैं, कोई इमेज लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो चाहे वो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इमेज वगैरह भी लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड इसकी इमेज सेट करना चाहते हैं तो भी सेट, जैसे हमने मान लो फ्रेगमेंट वन लिया, फ्रेगमेंट वन है ना, अब इसके जिसमें चले गए उसके मान लो हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो ये आप देखिए यहाँ पे गए हम और यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड अपन यहाँ से इसका ठीक कलर वगैरह फॉन्ट ले ही लिया, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज की अपन देखते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड फोरग्राउंड चेंज कर सकते हैं, फोरग्राउंड कलर वैसे ही हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड ट्राइबल मिलेगा, बैकग्राउंड कहाँ चलेंगे सर्च कर लेते हैं। देखिए बैकग्राउंड, जैसे आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका क्या चेंज करना चाहते हैं बैकग्राउंड, तो आप यहाँ पे गए कोई और कलर ले लीजिए, अप्लाई क्या कर दिए बैकग्राउंड, क्लियर। फोर कलर इस कलर लेना चाहते तो आपने यहाँ पे दे दिया फोर कलर, क्या दे दिया फोर ग्राउंड, फोर ग्राउंड कैसे चाहते हैं आप इसका, फोर ग्राउंड में आपने दे दिया जैसे, क्लियर। फॉन्ट फैमिली कौन सी चाहते हैं, जो भी आपको लेना हो, क्लियर, डन करा दीजिए। तो जो जो सेटिंग्स आप अप्लाई करोगे वो सेटिंग्स आपकी यहाँ पे क्या हो जाएंगे अप्लाई, कोई भी एक्टिविटीज़ में आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये देखिए हो गया। तो जिस टाइप से देखिए थोड़ा कलर एक ही जैसा हमने कर दिया, इसलिए दोनों हमारे कैसे एक ही जैसे आ रहे हैं। इस टाइप से हम फ्रेगमेंटेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अपन आगे कल दूसरा देखेंगे फ्रेगमेंटेशन के, आगे जो भी पढ़ेंगे एक एक करके एग्जाम्पल आपको बताएंगे, थोड़ा स्लो चलेगा पर अपन जितना कर सकते हैं उतना इसमें आपको मैक्सिमम करके आपको हम बताएंगे, पीडीएफ भी बता देंगे। फ्रेगमेंटेशन के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कोई प्रॉब्लम आती तो आप व्हाट्सअप करके मैसेज करके हमको बताइएगा जरूर। थैंक यू।